आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जुड़े सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। देश विदेश से जो दर्शक पाठक डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन। मुझे देखकर अच्छा लगा कि इस कॉन्क्लेव की थीम है द इंडिया मोमेंट। आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं, इट इज इंडियास मोमेंट। लेकिन जब इंडिया टुडे ग्रुप ये ऑप्टिमिज्म दिखाता है तो ये एक्स्ट्रा स्पेशल है। वैसे मैंने 20 महीने पहले लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। यहां पहुंचते पहुंचते 20 महीने लग गए। तब भी भावना यही थी, दिस इज इंडियास मोमेंट। साथियों, किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई पड़ाव आते हैं। आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत के सामने जो टाइम पीरियड आया है ये अभूतपूर्व है। आज के कुछ दशक पहले जो देश आगे बढ़े, कई देश आगे बढ़े हैं, विकसित हुए, लेकिन उनके सामने स्थितियां बहुत अलग थी। एक तरह से उनका मुकाबला खुद से ही था, उनके सामने इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है वे चुनौतियां बहुत ही अलग है, बहुत ही व्यापक है, विविधताओं से भरी हुई है। आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेज हैं। अब देखिए, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी सबसे बड़ा संकट है। दो देश महीनों से युद्ध में है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस स्थिति में, इस बैकग्राउंड को सोचिए, उस स्थिति में द इंडिया मोमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। ये एक नया इतिहास बन रहा है जिसके हम सभी साक्षी हैं। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है।
आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है, लेकिन चलो पुरानी बातें कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो खोद के निकालेगा, लेकिन मैं अभी अभी की बात करना चाहता हूं आज, और वो भी 2023 की। 2023 के 75 दिन हुए हैं, मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कुनो नेशनल पार्क में 12 चिताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई, आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ UPI लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मोमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। साथियों, आज देश एक और रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के लिए भी दुनिया में अभूतपूर्व आकर्षण है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। आज आयुर्वेद को लेकर उत्साह है। भारत के खान पान को लेकर उत्साह है। आज भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत नई ऊर्जा के साथ लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। हमारे मिलेट्स श्री अन्न भी पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। बात चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हो या कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, विश्व आज इस बात को महसूस कर रहा है कि भारत के आइडियाज और भारत का सामर्थ्य
ग्लोबल गुड के लिए है। इसलिए आज विश्व कह रहा है दिस इज इंडियाज मोमेंट। और आप सबने हाल फिलहाल एक और बात भी नोट की होगी, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आजकल अधिकतर देश, जब भी मुझे मिलना होता है या उनका भारत आना होता है या भारत का किसी का वहां दौरा होता है, आपने मार्क किया होगा, हर देशों में स्पर्धा चल पड़ी है कि भारत से चोरी की गई जो प्राचीन मूर्तियां है ना, वो खुद ब खुद हमको देते हैं, ले जाइए, क्योंकि अब उनका भरोसा हुआ है कि इसका सम्मान भी वही अब संभव है। यही तो मोमेंट है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आज के इंडिया मोमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि आज इसमें प्रॉमिस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। यहां इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपने तो 2014 से पहले की हेडलाइंस लिखी है, पढ़ी है, रिपोर्ट की है, और तब मेरा जैसा कोई दुकान चलाने वाला नहीं था। पहले क्या हेडलाइंस होती थी, इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है, भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। आप लोगों ने तो घोटालों की खबरें दिखा दिखाकर इतनी टीआरपी बटोरी है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई दिखा करके टीआरपी बढ़ाइए। किसी के प्रेशर में ना आए, बैलेंसिंग के चक्कर में ये मौका न गवाएं। साथियों, पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइंस होती थी, नक्सली वारदातों की हेडलाइन होती थी, आज शांति और समृद्धि की खबरें ज्यादा आती है। पहले पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोके जाने की खबरें आती थी, आज पर्यावरण से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ही नए हाईवे एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती हैं। पहले ट्रेनों की दुखद दुर्घटनाओं की खबरें आम बात होती थी, आज आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हेडलाइन बनती है। पहले एयर इंडिया के घोटालों की बेहाली की चर्चा होती थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की खबरें दुनिया में हेडलाइन बनती है। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का यही बदलाव इंडिया मोमेंट लेकर आया है। वैसे बात साथियों, जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज
इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दौर देखा। ये दौर जितना भी लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शाश्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। आज भी वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, वो ये चाहता है कि उसका जीवन बदले, उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले। वो सिर्फ दो टाइम की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। बीते दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिशें भी की है, उन्हीं प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परिणाम भी मिले हैं। हम नए नतीजे चाहते थे, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। अब जैसे शौचालय तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट का निर्माण किया। बैंक तो देश में पहले भी थे और गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, लेकिन हमने, और अभी अरुण जी विस्तार से बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी, उन योजनाओं की स्थिति क्या थी ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग होती है और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर के हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता है तो गफले नहीं होते, वो अच्छा घर बनाना चाहता है। हमने पिछले 9 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी दुनिया के कई देश है, पूरा देश नया बना रहे हैं हम। हमारे यहां अक्सर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती है, दुकान खरीदी जाती है पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी जाती है पुरुष के नाम, जमीन खरीदी जाती है पुरुष के नाम। लेकिन हमारी सरकार ने जो घर गरीबों को बनाकर दिए हैं, उसमें से करीब करीब 2.5 करोड़ घर जॉइंट नेम से हैं, उनमें महिलाओं का भी मालिकाना हक है। अब आप सोचिए, गरीब महिला खुद को एम्पावर फील करेगी तो फिर इंडिया मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? देश में ऐसे कितने ही बदलाव हुए हैं जो इंडिया मूवमेंट को लाए हैं। इनमें से कुछ बदलावों की चर्चा तो मीडिया भी नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी राइट्स की भी है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सिर्फ 30% आबादी के पास ही उनकी प्रॉपर्टी का लीगली रजिस्टर्ड टाइटल है। यानी दुनिया की 70% आबादी के पास उनकी प्रॉपर्टी का कानूनी दस्तावेज नहीं है। प्रॉपर्टी का अधिकार ना होना वैश्विक विकास के सामने बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है।
दुनिया के अनेक विकसित देश भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पिछले 2-2.5 साल से भारत में पीएम स्वामित्व योजना चल रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। भारत के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन की मैपिंग की जा रही है। अब तक भारत के 2,34,000 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। 1,22,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड दिए भी जा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक और लाभ हुआ है, गांव के लोगों का ये डर भी कम हुआ है कि अगर वो गांव से बाहर गए तो उनके घर या जमीन पर कब्जा हो जाएगा। ऐसे कितने ही साइलेंट रिवॉल्यूशन आज भारत में हो रहे हैं और यही इंडिया मूवमेंट का आधार बन रहा है। एक और उदाहरण किसानों को मिलने वाली मदद का भी है। पहले चुनाव को देखते हुए किसानों को कर्ज माफी की घोषणाएं होती थी, लेकिन करोड़ों किसानों के पास बैंक खाते ही नहीं थे। वे तो और स्रोतों से कर्ज लिया करते थे, उन्हें तो कर्ज माफी का कोई लाभ ही नहीं मिलता था। हमने इस परिस्थिति को भी बदला। पीएम किसान सम्मान निधि से अभी तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा गया है। इसका लाभ देश के उन 11 करोड़ छोटे किसानों को हुआ है जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था। साथियों, किसी भी देश की प्रगति में नीति निर्णय में ठहराव, स्टैग्नेशन, स्टेटस को एक बहुत बड़ी बाधा होता है। हमारे देश में भी पुरानी सोच और अप्रोच के कारण, कुछ परिवारों की लिमिटेशंस के कारण एक लंबा ठहराव रहा। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें हमेशा गतिशीलता होनी चाहिए, साहसिक निर्णय शक्ति होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें नयापन स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें प्रगतिशील मानसिकता होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसे अपने देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा होना चाहिए, और इन सबसे ऊपर देश के संकल्पों और सपनों पर देश की जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। सिर्फ सरकार और सत्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता बहुत ही लिमिटेड रिजल्ट देता है, लेकिन जब 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जुटता है, जब सबका प्रयास लगता है, तो फिर देश के सामने कोई भी समस्या टिक नहीं पाती। इसके लिए देश के लोगों का सरकार पर भरोसा उतना ही जरूरी है। मुझे संतोष है कि आज देशवासियों में ये विश्वास जगा है कि सरकार को उनकी परवाह है। इसकी और एक वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है गवर्नेंस में ह्यूमन टच, सुशासन में संवेदनशीलता। हमने गवर्नेंस को ह्यूमन टच दिया है तब जाकर के इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है। अब जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना, दशकों तक बॉर्डर के हमारे गांवों को आखिरी गांव माना गया,
हमने उन्हें देश का पहला गांव होने का विश्वास दिया। हमने वहां विकास को प्राथमिकता दी। आज सरकार के अधिकारी मंत्री इन गांवों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां लंबा वक्त गुजार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी पहले दिल की और दिल्ली की दूरी बहुत अखरती थी। हमने यहां भी गवर्नेंस को ह्यूमन टच से जोड़ा। अब केंद्र सरकार के मंत्री, जैसे अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया, नियमित रूप से नॉर्थ ईस्ट का विजिट करते हैं और वह भी स्टेट कैपिटल पर नहीं, डिटेल इंटीरियर में जाते हैं। मैं भी नॉर्थ ईस्ट जाने की हाफ सेंचुरी मार चुका हूं। साथियों, इस संवेदनशीलता ने ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम की है, बल्कि वहां शांति की स्थापना में भी बहुत मदद की है। आपको यूक्रेन क्राइसिस के दौरान सरकार की कार्य संस्कृति को भी याद करना चाहिए। देश के हजारों परिवार चिंता में थे। हमने करीब करीब 14,000 परिवारों से कनेक्ट किया। हर घर में सरकार का एक प्रतिनिधि भेजा, उन परिवार के अंदर बीच बैठा, सरकार के व्यक्ति के रूप में बैठा। हमने उन्हें मुश्किल घड़ी में विश्वास दिया कि सरकार उनके साथ है। आपको मालूम होगा, कभी कभार ऐसी चीजों को हम इतना उछाल दिया जाता है कि जहां काम करना है उसमें भी रोड़े अटक जाते हैं। और इसलिए हमने पहला काम किया, जाओ भाई उस परिवार में जाके बैठो, उनको रेगुलरली कम्युनिकेट करो। और इसके कारण देश के सब आश्वस्त हुए लोग कि ठीक है भाई, बच्चा वहां है, अभी स्थिति में है, कल आएगा, परसों आएगा, स्थिति बनाई। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ऐसी गवर्नेंस से इंडिया मूवमेंट को एनर्जी मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर गवर्नेंस में ये ह्यूमन टच न होता तो हम कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं जीत सकते थे। साथियों, आज भारत जो कुछ हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की शक्ति है। दुनिया आज देख रही है कि आज भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार निर्णायक फैसले ले रही है, और भारत ने दुनिया को दिखाया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। बीते वर्षों में भारत ने अनेकों नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के नेतृत्व में बना, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का गठन भारत के नेतृत्व में हुआ, नीति आयोग आज भविष्य के रोड मैप को तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है, GST काउंसिल की वजह से देश में आधुनिक टैक्स व्यवस्था बनी है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ रही है। देश में कोरोना के बीच भी अनेकों चुनाव हुए, सफलतापूर्वक हुए, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। वैश्विक संकट के बीच आज भारत का अर्थतंत्र मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। हमने दूर सुदूर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई, 220 करोड़ से अधिक डोज लगवाई, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर इसी वजह से
ये सफलता ही कुछ लोगों को चूपती है और इसलिए हमले भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इन हमलों के बीच भी भारत अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। साथियों, भारत की भूमिका जब ग्लोबल हो रही है तो भारत के मीडिया को भी अपनी भूमिका ग्लोबल बनानी है। सबका प्रयास से ही इंडिया मूवमेंट को हमें सशक्त करना है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत की यात्रा को सशक्त करना है। मैं एक बार फिर अरुण जी का, इंडिया टुडे ग्रुप का, मुझे यहां आने का अवसर दिया, बात करने का अवसर दिया, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 2024 में निमंत्रण का जो साहस दिखाया, इसलिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू।